नमस्कार, बनारसी थाली में मैं सिंपी अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं रोज़ फ्लेवर नारियल के लड्डू। और इसे बनाने के लिए हम पहले पैन को गर्म करते हैं और उसमें डालेंगे हम 4 चम्मच घी। और यहाँ पे हमने फ्लेम को एकदम धीमा रखा हुआ है। और इसमें अब हम ऐड करेंगे 200 ग्राम नारियल का बुरादा। इसे हम 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे, बराबर चलाते रहेंगे और सिर्फ 2 मिनट ही हम इसे रोस्ट करेंगे। इसको ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट होने देना है। और इसमें अब हम ऐड कर लेते हैं 1/2 कप दूध। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 100 ग्राम मिल्क मेड ऐड करेंगे और फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और थोड़ा सा नारियल हम दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम इसमें पैन में 1/2 कप रोज़ सिरप डालेंगे, क्योंकि हम रोज़ फ्लेवर बना रहे हैं, रोज़ फ्लेवर लड्डू बना रहे हैं। तो अब इसमें हम एसेंस नहीं ऐड करते हैं, इसमें हम रोज़ सिरप ऐड कर लेते हैं। और इसके कलर के लिए हमने यहाँ पे रेड फूड कलर इस्तेमाल किया है, जिससे इसका कलर आप अभी देख सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं पहले, ये बहुत ही अच्छा पिंक कलर आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर है। तो जो हमने प्लेट में निकाल के अलग से रखा हुआ है उसमें भी हम ग्रीन कलर ऐड कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद आप इसका कलर देखिए, बहुत ही अच्छा कलर है, ये बहुत ही प्यारा कलर है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें फिलिंग के लिए ऐड करेंगे गुलकंद। हमने गुलकंद यहाँ पर लिया हुआ है और अब हम थोड़ा सा ब्लू वाला भाग ले के उसमें गुलकंद को भर लेंगे, छोटा सा, बहुत छोटा सा। और इसे थोड़ा छोटा लड्डू बना लेते हैं और पिंक वाले हिस्से को इस तरह से पेड़े की तरह बना के चिपटा करके हल्के हाथों से फैला लेते हैं। और इसमें हम डालेंगे ब्लू वाला लड्डू और इसे इस तरह से हल्के हाथों से दबाते हुए लड्डू बना लेते हैं। ये लड्डू बन गया है। और हम इसकी गार्निशिंग के लिए यहाँ पे नारियल को बुरादा इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा हम एक कोट इस पर लगा देते हैं ताकि इसकी गार्निशिंग लुक अच्छा हो जाए। और इसी तरह एक हम ब्लू लड्डू तैयार करेंगे। तो पिंक वाले हिस्से में हम डालेंगे गुलकंद, छोटा सा लड्डू तैयार करेंगे। इसके बाद हम ब्लू वाले हिस्से को थोड़ा सा चिपटा करके हाथों पर और पिंक वाले हिस्से को दबा के ब्लू लड्डू तैयार कर लेते हैं। इसे भी हम गार्निशिंग कर लेते हैं नारियल के बुरादे से इस तरह से। और इसे आप काट के देखना चाहें तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा। ब्लू वाले को भी हम दिखा देते हैं काट कर। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है और ये बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है और आप इसे ट्राई ज़रूर करें घर में। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो नारियल का लड्डू रोज़ फ्लेवर में हमने तैयार कर दिया है और ये रेडी हो चुका है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।